आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा गठित जिला टास्क फोर्स के द्वारा बुधवार को मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन को रोकने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई और मौके से 6 हाईवा और 1 पोकलेन जब्त किया गया। टास्क फोर्स में सम्मिलित अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार शाह ने बताया कि जिला प्रशासन को पिछले दिनों मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कई जगहों पर अवैध खनन संचालित होने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसके आधार पर बुधवार की सुबह दामिन भीटा पहाड़ पर औचक छापेमारी की गई तथा अवैध खनन में संलिप्त 6 हाईवा और 1 पोकलेन को जब्त कर मिर्जा चौकी थाना को सुपुर्द किया गया। मौके पर मौजूद जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया करीब 10 लाख के सरकारी राजस्व की चोरी का मामला बनता है और अधिक आकलन कर संबंधित खननकर्ता के विरुद्ध राजस्व वसूली संबंधी केस किया जाएगा। खनन पदाधिकारी श्री कुमार ने हिदायत के तौर पर कहा कि जिला में कहीं भी किसी को अवैध खनन करने नहीं दिया जाएगा और जो भी इस तरह के गैर कानूनी कार्य करेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बगरगाल जिला टास्क फोर्स की इस कार्रवाई से इलाके के खनन माफियाओं में हड़कंप व्याप्त है। साहिबगंज से शिवशंकर निराला की रिपोर्ट। जैसे अभी आकलन कर रहे हैं कि लगभग 10 लाख रुपए का इन्होंने जरूर पत्थर यहाँ से निकासी की है।